हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल प्रदीप लीगल हेल्प। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे FIR के बारे में कानूनी प्रावधान क्या हैं। पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत लिखित रूप से दे सकता है, बोलकर मौखिक भी दे सकता है। पुलिस द्वारा पीड़ित व्यक्ति पे यह दबाव बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप से ही दे। धारा 154 CRPC में यह प्रावधान है कि थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा पीड़ित व्यक्ति की शिकायत लिखेगा या लिखवाएगा और पीड़ित व्यक्ति को पढ़कर बोलकर सुनाया जाएगा कि आपकी यह शिकायत है। पीड़ित व्यक्ति यदि उसमें बदलाव चाहता है और बदलाव की मांग करता है तो उसमें बदलाव भी किया जाएगा। FIR पंजीकृत करते समय पुलिस के द्वारा अपने मन से उसमें कोई भी सेंटेंस घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। FIR दर्ज करने के बाद पीड़ित व्यक्ति को उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। उसका कोई भी चार्ज पीड़ित व्यक्ति से नहीं लिया जाएगा। FIR की जो कॉपी पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी उसमें IPC की धाराएं, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धाराएं अंकित होंगी जिन धाराओं में पीड़ित व्यक्ति की FIR पंजीकृत की गई है। ऐसा नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसी तहरीर की ही कॉपी दे दी जाए। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए आपकी FIR पंजीकृत नहीं की गई है। अगर आपकी FIR पंजीकृत नहीं की जाती है तो उसके लिए क्या उपचार हैं, हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल प्रदीप लीगल हेल्प को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।